जिस तरह से गुजारी है हमने जिंदगी, जिस तरह से गुजारी है हमने जिंदगी, अगर तुम होते तो गुजर चुके होते, अगर तुम होते तो वाह, गुजर चुके होते। स्वच्छता समाज की आवाज की तरफ से मैं डॉक्टर कौशल पंवार आप सब व्यूवर्स का, तमाम दर्शकों का जय भीम बोलती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने हमेशा बार बार कहा है कि स्वच्छता समाज की आवाज ऐसे तबकों की आवाज है, ऐसे पुरखे पुरखिन की आवाज है जो कहीं ना कहीं आवाज अन आवाज अनकही आवाज बन के रह गई है। इसलिए हमने कोशिश की है कि वो तमाम आवाजें हम सबके बीच में हो। कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव को लिया है, कैसे उन्होंने जिंदगी को अपनी तरफ से देखा है, हम तमाम हमारे ऐसे लोगों से हर इसमें एपिसोड में कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों से हम बातचीत करें और तमाम लोगों तक पहुंचे, उनका दर्द, उनका अनुभव, उनकी मेहनत और उनकी मेहनत कैसे सफल हुई है, इन सारी चीजों की आवाज में। आज स्वच्छकार समाज की आवाज में हमारे साथ हैं एलके सोलंकी जी, जो गुजरात से हैं। उन्हीं के जुबानी हम जानना चाहेंगे कि उनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ। सर, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप अपने जीवन परिचय के बारे में खुद आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से आते हैं, और सोलंकी क्योंकि नाम ऐसा है, आप ये भी हमें बताएं। जी सर। जी धन्यवाद। मैं भी आपका नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैडम जी, पहले तो आपको याद दिला दूं कि बड़ौदा में, गुजरात के बड़ौदा में आपको हमने आमंत्रित किया था, जी बिल्कुल, मुझे डॉक्टर याद संजय है। सोलंकी, और जी याद है ना? जी बिल्कुल अच्छा याद है। अच्छा तो दोबारा आपको ये पर्दे पे मिलने का मुझे जो अवसर मिला है, आपने जो चैनल खोला, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सबका मेरा समाज का, नाम, मेरा कोई जी जी योगदान नहीं है इसमें, सारे समाज का है। जी 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 वो तो बड़ा बड़ा ही ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हीरा खुद नहीं कहता कि हमारा लाख रुपए का मोल है, वो तो हमारे जैसे कुछ जवेरी आपको पहचानेंगे। जी सही जी है जी आपका बड़प्पन। जी, जी। ये मेरा नाम ऐसे आई के सोलंकी से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ईश्वर भाई, पिता श्री काशी भाई और सोलंकी मेरी अटक है। हम चार भाई और एक बहन थे, उसमें से दो भाई और बहन चल बसे हैं इस दुनिया से, अब हम दो भाई रहे हैं। मेरे पौत्र पुत्रों में एक राजेश भाई, संजय भाई, नितिन भाई और एक बेटी है हेमलता। आप जानते हैं संजय भाई को, तो बड़ा लड़का नहीं पड़ा क्योंकि वो नैनीताल में बड़ा हुआ। आप जानते हैं कि जो प्रथम बालक होता है वो नैनीताल में, उसका बहुत बड़ा प्रेम रहता है, तो अपना नाना नानी के साथ रहा, तो उसकी गुजारिश बराबर पढ़ने लिखने में मैं नहीं कर सका, लेकिन संजय मेरा है, वो आपकी तरह बी कॉम, एम कॉम, LLB, LLM, HID, IRD और डॉक्टरेट किया है विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी में। जैसे आप दिल्ली में है, ऐसे वो इधर हमने MS यूनिवर्सिटी में है। आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, उनका मिसिस है वो प्राइमरी टीचर है, उसकी बेटी है वो अभी BSc पूर्ण कर दिया है, MSc में एडमिशन लेगी ये साल में, और एक लड़का है वो FY BSc में है। दूसरे मेरे छोटे लड़के की लड़की है, वो BCom पूरा करके अभी TY LLB में लास्ट ईयर में है अभी, लेकिन ये कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हो पाई है। और मेरा एक जो बड़ा लड़का है, उनको एक बेटी और बेटा है, जो SY BCom करके एक छोड़ दिया, TY BCom करके छोड़ दिया, ऐसा है। अब बात की आपने सोलंकी की, तो हमारे गुजरात में, जैसे अपने हरियाणा में, पंजाब में, किसी को लाल बेगी, किसी वो बांस फोड़ा, अलग अलग जाति से जानते हैं, लेकिन हमारे गुजरात में हमको भंगी शब्द से जानते थे। लेकिन आज से लगभग 15-20 पहले सरकार का एक परिपत्र हुआ, उसमें हमारे अपने वाल्मीकि समाज ने, भंगी समाज ने लिख के दिया कि हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, तो जब शिष्यवृत्ति की बात आती है, तो क्लार्क जाके बोलता है कि भाई भंगी स्टूडेंट कौन है, तो पूरे क्लास में उसकी बेइज्जती होती है, इसलिए उसको नीचापन जो देखने का होता है, इसलिए वो खड़ा नहीं होता था, और कहीं बस में कहीं भी जाओ तो भंगी शब्द जान के सूग हो जाता था। इसलिए सरकार ने भंगी शब्द निकाल के नया शब्द दिया, वाल्मीकि और ऑब्लिक ऋषि। अब मैडम जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं ज्यादा उसका हिस्ट्री नहीं जानता हूं, लेकिन वाल्मीकि ऋषि के साथ हमारा कहीं भी क्या बोलता है नाता निकलता नहीं है, लेकिन महाभारत में जो ऋषि शब्द हमको दिया गया है, उसमें जो पाराशर ऋषि थे वो भंगी थे। इसीलिए हम जो है पांडवों के वंशज है, हमारे यहाँ गुजरात में
दरबार भी सोलंकी लिखा थे और हम भी सोलंकी लिखाते थे, क्योंकि जब मुगल साम्राज्य का राज आया तो जबरदस्ती थी मुसलमान बनाया गया, उसमें हमारे जो भंगी समाज है उन्होंने गंदा काम, ये मोहम्मदन धर्म स्वीकारा नहीं तो उन्होंने पनिशमेंट करने के लिए गंदे से गंदा काम दिया और गांव के बाहर उसको रखा गया। ये हम इतिहास जानते हैं भंगी का। फिर अभी हमको भंगी शब्द निकाल के वाल्मीकि और ऋषि शब्द का यूज करते हैं, सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसा परिपत्र किया गया है। तो कैसे आप क्या काम करते थे, आपके माँ बाप क्या काम करते थे, कैसे आप लोग पढ़ पा रहे हैं आपने जी, बच्चों को? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न मैडम जी आपने किया, आपने मेरे दिल की बात की जी। पूछो तो खरा, गुजराती में थोड़ा सुन लीजिए, पूछो तो खरा घायल ने सु थाई छे, घायल की गत घायल जाने जी। मेरी एक बेटिया जहाँ बैठी है किस वजह से बैठी है, एजुकेशन, और दूसरा हमारे बाबा साहेब, हमारे देवाधिदेव, पीर पैगंबर, हमारे भगवान जो भी है, बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से आप और हम इस तरफ बात कर सके, नहीं तो ये लोग अपने को जहाँ तक पहुँचने देवे। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर होना कोई नानी छोटी सुनी बात नहीं है मैडम जी। अब सुनिए, मेरे पिताजी पहले से ही सफाई काम करते थे और मेरी माँ भी वो उनके काम में हाथ बटाती थी। हम चार भाई थे, इसमें बड़े भाई नहीं पढ़ सके, पिताजी ने पहले से ही उनको सफाई काम में लगा दिया, पढ़ के क्या करोगे। दो नंबर का भाई था उसको भी लगा दिया, लेकिन मेरी माँ कुछ पढ़ी लिखी थी, चार पांच कक्षा उस टाइम पे। तो मेरी माँ ने बोला मेरे पिता से, मेरे दो बच्चे को तो आपने सफाई में लगा दिया, मैं मेरे तीसरे बच्चे को सफाई काम में नहीं लगाऊंगा, मैं कपड़ा बर्तन, बड़े लोगों की बात बड़ी है, मेरी बात कोई माने ना माने, लेकिन मैं हृदय से कहता हूँ, IOC कंपनी, यहाँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो पेट्रोल डीजल बनाती है, वहां कॉलोनी बनी थी, वो कॉलोनी में ऑफिसरों के घर मेरी माँ बर्तन मांजने, झाड़ा पोतना करने जाती थी और मेरे को पढ़ाया। मैं ओल्ड SSC, हमारे टाइम में 11 कक्षा थी, लेकिन उसके बाद 10+2 कर दिया SSC और HSC। मैं 11 कक्षा अपना पढ़ा हूँ, हमारे चारे पांचों भाई बहनों में मैं 11 कक्षा पढ़ा हूँ मेरी माँ की वजह से, और आज समाज में और जहां भी कुछ मैं हूँ ये मेरी माँ की वजह। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पिताजी ने भी बहुत कष्ट उठाए हैं हमको बड़ा करने में, खिलाने पिलाने में, उनका भी इतना ही आभारी हूँ, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर ये दुनिया में और कोई चीज नहीं। इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाया और मेरा जो आदर्श है मैं कबीर साहब को मानता हूँ, क्योंकि अन्य धर्म में झूठ, प्रपंच, झाड़ फूंक और क्या बोलता है भुआ, धागा, दोरा, इनमें मैं नहीं मानता हूँ, मैंने कबीर साहब को पढ़ाया। और दूसरा मेरा आदर्श है, मेरा देवा देव मानो, मेरा भगवान मानो, मेरा सर्व कुछ मानो, अगर वो आदमी, वो इंसान, वो मसीहा ये दुनिया में नहीं आता तो आज हमारा समाज क्या हाल होता उसकी कल्पना करने से हमको बहुत दुख होता है, ऐसा डॉक्टर आम्बेडकर को सच सच सलाम करता हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाया और हम इस तरह हम आगे हमारी प्रगति कर सके हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि आप तो आगे बढ़े, आप पढ़े, आप अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, हमारे जो समाज की जो हालत है आसपास की वो भी थोड़ा बदल गई, कि हमारी जो कम्युनिटी है वाल्मीकि कम्युनिटी, उनकी कैसी दशा है, क्या वो आज भी यही काम करती है या पढ़ाने का कुछ आगे बढ़े हैं वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के बाद या उनसे शिक्षा पाके कुछ? जी जी मैडम जी, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, मुझे बहुत इस प्रश्न का जवाब देने में, उत्तर देने में आनंद आता है। हमारे समाज में पुराने जमाने के जो कुरिवाज थे, कुरिवाज में समझते होने कि जो सगाई होती है उस टाइम पर बहुत जलसा करते, सगा स्नेहियों को पूरे मोहल्ला वालों को खाना खिलाते थे, चांदला सगाई, आप मेरे जानते हो सगाई का रस्म, बता सगाई के रस्म में सगाई जो लड़का लड़की लड़की को देखने जाना जाता है पूरे परिवार को, सगाई में शादी जितना खर्च करते थे। एक दूसरा कि जब कोई इंसान किसी के घर में किसी की मौत होती है तो उसको 12 दिन में पूरी जमात को, पूरे फरिया वालों को, पूरे सगा वालों को खाना खिलाना पड़ता था और वो भी हमको दुख हुआ। तीसरा जो जब लड़की का शादी करने के बाद पहला उसका गोद भरने का प्रसंग आता है उसमें मैडम जी पूरे परिवार का कपड़ा करना पड़ता था, ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने आज से 32-33 साल पहले हमारे नौजवानों को लेके हम गांव गांव, हमारे
मथुरा तालुका के गांव गांव में गए, 50-50 युवान को लेके, फिर बिठाया, हमारे वास में गए, सबको समझाया, देखो आने वाले दिन बहुत कठिन है, मंगवारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसमें ऐसा खर्चना खर्च करना अच्छा नहीं है, अगर हमको हमारे समाज को आगे लाना है तो ये कुरिवाजें बंद करने पड़ेगी। मैंने पुस्तक आज ढूंढी लेकिन मैम आपके लिए मुझे मिली नहीं, वो मैंने बंधारण किया कि जो हमारे में गुजराती में 12वां 13वां बोलता है ना, वो मर जाने के बाद वो कंप्लीट रसोई खाना बाना कुछ लड्डू बड्डू कुछ बनाने का नहीं, खाली 2-5 संत आए गए, चाय पानी पी के भजन करेंगे और जो अपने सत्संग द्वारा इंसान को ये दुख में से मुक्त करेंगे। दूसरा, ये जो गोद भरने का कार्यक्रम में पूरे परिवार के कपड़े ले जाने पड़ते थे वो हमने टोटली बंद करवा दिए है, और सगाई के टाइम में कहा आपने बोझ क्या मतलब आपने जो कहा कि सगाई के अलावा दूसरा जो आपने बताया क्या बोला? हाँ, जो गोद भरने का है ना, जब लड़की की अपन शादी गोद भराई के लिए, हाँ इसमें भी इतना मैडम यहाँ हमारे खर्च होता था कि पूरे परिवार को देवर ज्येष्ठ काका सचाच और जो जो सगे पूरे पूरे की जो कपड़ा ले जाना पड़ता था। जी जी जी। उसमें मुझे कहाँ से ये मिला कि जब मेरे मेरा जो प्रसंग आया, जब मेरा युवानी में मेरा प्रसंग आया तो मेरे ससुर ने छत के पत्रे बेच के वो ये मेरे यहाँ प्रसंग किया था। उस रोज बाद में वो पत्रे पा ही नहीं सके, खुल्ला ही खुल्ला रहा, नलिये से उन्होंने अपना मकान बनाया। तभी से मैंने पढ़ लिया कि मैं ये रिवाज बंद करके रहूंगा, ये पूरा रिवाज मेरे समाज को डुबा रहा है, मैं उसको गरीब में गरीब इंसान अच्छी तरह से जी सके, 2 वक्त की रोटी खा सके, इसलिए हमने मैडम जी बंधारण किया था। अगर अवसर मिलेगा तो बंधारण मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए जो कुरिवाज है वो तीनों कुरिवाज, जो इसको प्रेत भोजन कहते हैं वो बंद कर दिया, क्या गोद भरने का में खर्च में खाली 5-7 आदमी जाके कार्य बताते हैं, सगाई में लड़के को बुला के लड़की को बुला के गार्डन में सब इकट्ठे हो गए, चांदला चुल्ली करके फिर उनको एक एक पेड़ा खिला के शादी में सबको बुलाता है, ये भी हमने एक कुरिवाज बंद कर दिए है। और जो बाबरी में आप जानते हो जो चौल क्रिया होती है, लड़का होता है तो 5 साल तक उसका बाल नहीं निकालने का, और 5 साल के बाद उसके जो बाल काटते हैं ना तो उसमें भी बहुत खर्च करते थे, वो भी हमने बंद करवा दिया है। समझा के हाँ, कोई समाज को समझाया इसमें नहीं इसमें, लेकिन देखो 100 मन लीटर दूध बिगाड़ने के लिए 100 किलो लींबू की जरूरत मैडम जी नहीं पड़ती है, एकाध लींबू अंदर डाल ले तो दूध में से बिल्कुल बराबर है। इसलिए हमारे समाज में ईर्ष्यावादी थे, वो लोगों ने थोड़ा हमको डिस्कस किया, हमारे साथ बहुत पुलिस स्टेशन तक हमको ले गए, फिर भी हमने हार नहीं मानी और आज गुजरात में ये सब जो हो रहा है वो हमारे मेहनत का परिणाम हमको दिख रहा है। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहती थी, वो ये कि खासकर जब बेटी के ससुराल के पक्ष में किसी की डेथ हो जाती है तो तब भी बहुत कुछ देना होता है, अगर बेटी किसी के यहाँ शादी कर रखी हो और उनके यहाँ ससुर की डेथ हो जाए, किसी और की हो जाए, तो बेटी वाले मायके की तरफ से ढेर सारा सामान कुछ लेके आना होता है। क्या आपके यहाँ भी कोई ऐसी परंपरा है गुजरात में वाल्मीकि को? नहीं जी, नहीं जी, इसमें क्या है कि ससुराल में कोई की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है तो शोक भगाने का ही गुजराती में बोलता है, वो जमाई के लिए बेटी के लिए साड़ी और जमाई के लिए पैंट, या तो पैंट की जगह 21 रुपया और वो तेल डालने के लिए 5 रुपया दे देते हैं, उसमें तो कोई हमें खर्चा दिखाई देने दे, ज्यादा खर्चा है ही नहीं। जी जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। जितने परंपराएं ये जो खर्चे वाली हैं इनको खत्म होना चाहिए बिल्कुल, ताकि शिक्षा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दे। सर, मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहती थी कि आपने आज आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, आप समाज में भी काम कर रहे हैं, ऐसे करते हुए मैं समझ सकती हूँ कि कुछ ना कुछ अनुभव जरूर रहे होंगे, कोई ऐसा अनुभव आप साझा करना चाहे जो आदमी को या तो प्रेरणा देता है या बहुत क्रोध आवेश में या प्रतिशोध की भावना भर देता है, या एक तरह से कहते हैं कि उससे हम लड़के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ वाक्यांश, ऐसा कुछ अनुभव आप शेयर कीजिए। जी, ये बहुत लंबा इतिहास है, इन शॉर्ट में कहता हूँ कि जब हमने ये कुरीवाद बंद किया तो हमारे जो राजकीय पॉलिटिकल आदमी थे उनको अच्छा नहीं लगा कि ये तो हमसे भी बढ़ जाएंगे, तो उन्होंने कई लोगों को भड़काया और पुलिस स्टेशन में हमारे सामने अर्जी की कि ये लोगों ने जो बेटियों का क्या बोलता है उसका निशासा लेते हैं, ये सब काम बंद कर दिया है, और पुलिस स्टेशन तक हमको ले गए और वहां भी हमारी विजय हुई। उस टाइम के विजय सिंह गुरिया साहब ने सामने वाले जो कार्यकर्ते उनको बोला कि अगर ये 2-4 युवा लड़के अच्छा काम करते तो उनको तुम सहकार देना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा? उस टाइम थोड़ा लगा था कि
ये काम करने से समाज ही अपने अपने सामने होता है तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन 100 काम में 100 विघ्न मैडम जी आते ही है। आंबेडकर के जीवन में क्या क्या नहीं हुआ आप देखते हैं कि हमारा नाता आंबेडकर के इसलिए नजदीक है कि बड़ौदा में सयाजी राव ने उनको यहाँ नौकरी दी थी, कोई घर नहीं दे रहा था, वो पटावाला उनको फाइल हैंड टू हैंड नहीं दे रहा था, कोई पानी नहीं दे रहा था, और जो पारसिक के घर में रहते वहां से भी उनको निकाल दिया। असल में सर मैं आपका अनुभव भी जानना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा अनुभव आया है इस समाज का पैदा होने के नाते कि आपको कोई ऐसी अनुभूति हुई हो, कभी कोई ऐसा संदर्भ तो बहुत अंदर तक आदमी को हिला देता है। जी, अच्छा कुछ जी, अनुभव जी, आपने किया। जी जी अच्छा मैडम जी देखो पहले से ही ये श्रवण समाज हम जहाँ थे वहां ही रहे वो इसते थे, लेकिन हमारे बाबा साहब आम्बेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनसे हमें प्रेरणा मिली, हम पढ़े लिखे अच्छे कपड़े पहनने लगे, स्वच्छ होने लगे, तब ये लोगों की आंख में देखा नहीं गया। जब हम जब्बा कुर्ता पहनते हैं तो बोले नेता बन गया, जब पैंट शर्ट पहनते थे तो हीरो जैसा लगता है, और कई बार ऐसे अपमान हमें सहने को हुआ है कि हम उन लोगों के जैसे है, उन लोगों का पहनना, उन लोगों ने बोला है कि आप स्वच्छ रहो, कोई भी काम करो लेकिन स्वच्छ हो, अच्छे कपड़े पहनो, जब उनके कहने से जब हम अच्छे लगे तो भी वो उनके हम मोटरसाइकिल लेके जाए तो भी उनको अच्छा नहीं लगे, हमारी मजाक उड़ाएंगे। जब मैंने एक बार भगवान से एक दो दफे प्रार्थना की कि महात्मा गांधी ने भले बोल दिया कि दोबारा जन्म मेरा मिले तो हरिजन में, लेकिन मैडम जी हेलो जी जी आपकी वीडियो मेरे ख्याल से ऑफ हो गई। हाँ जी सर आपकी वीडियो चली गई अचानक। नमस्कार मैडम जी, दोबारा आपका जो प्रश्न है उसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। मैंने मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम उन लोगों के जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे खाना खाते हैं, स्वच्छ रहते हैं, फिर भी न जाने हमारे पर कहाँ सिंबल लगा हुआ है कि ये अछूत है, उनसे एक साथ बैठना नहीं चाहिए। आज जो फिजिकली जो है वो चला गया, लेकिन जो इंटरनल है उनका आंतरिक जो अपने अस्पृश्यता है वो उनके हृदय में से नहीं जाएगी, इसलिए कई बार अपमान सहन की है मैडम जी। तब मेरे को कई बार इतना मुझे दुख हुआ कि भगवान ये तेरी बनाई दुनिया नहीं है, जाति पाति तूने नहीं बनाई, ये इंसान ने बनाई, लेकिन दोबारा अगर जन्म देना हो तो मुझे ये भंगी समाज में नहीं देना, नहीं जन्म देना तो मत दो, लेकिन मुझे भंगी समाज में जन्म ये अपमान। ऐसा क्यों आपको इतना अपमान? हाँ मैडम जी देखो अभी बाजार में जाएंगे, अभी तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमारे गाँव में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अभी भी इंटरियर जो गाँव है वहां सब्जी लेने जाएगा तो देखेगा कि ये आया तो वहां से हट जाएंगे, हजाम के घर उसके दुकान पे जाएंगे तो भी उनके चेहरे से पर से भी हमको मालूम पड़ता है कि उन लोगों को हमसे कितनी नफरत है। ये सब देखने के बाद इतना इंसल्ट कहीं जगह पे हमने देखा है मैडम जी, तब हमको दुख होता है कि कायदे से सब बात नहीं होगी। जब तक इंसान अपने हृदय से ये अस्पृश्यता नहीं निकालेगा तब तक कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, कोई सामाजिक एकता होने वाली नहीं है। कई कई गालियां भी खाई है, ये खाई है, कहां तक फरियाद करेंगे अपन, लेकिन अभी भी डॉक्टर आंबेडकर की वजह से और हमारी जागृति और एजुकेशन की वजह से आज बहुत कुछ हम कायदे से हम कायदे को ढाल बना के कई बार हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। जी एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पिछले दिनों मुझे जूनागढ़ जाने का मौका मिला तो अगर आपको ये जानकारी होगी तो आप हो सकता है अगर ना जानकारी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां एक खास वर्ग की महिलाओं को मतलब ब्लाउज जो पीछे से पूरा बैक मतलब एक तरह से नेकेड पार्ट होता है, ऐसा क्यों है? हाँ। एक खास वर्ग की महिलाओं को ऐसे ब्लाउज क्यों पहनने के लिए कहा जाता है या क्या ट्रेडिशन है इसके पीछे, क्या आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी है कि गुजरात में ऐसी महिलाएं हैं? जी देखो मैडम अभी अभी आपने रामायण सीरियल देखी होगी, महाभारत सीरियल देखी होगी। हाँ जी आवाज आता है मेरी? जी आ रही है। हेलो। हाँ जी जी हाँ बोलिए बोलिए जी। वो सीरियल में देखिए कि जो कौशल्या माता है और कैकेयी माता है उनके जो वस्त्र है वो आप देखिए, मैं ये फैशन करनी चाहिए लेकिन फैशन का अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। नहीं 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 मैडम जी नहीं नहीं प्लीज आप इसको ऐसे मत करिए, मैं फैशन के दृष्टिकोण से नहीं कर रही, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जूनागढ़ की बहुत सारी जगहों पर
एक खास वर्ग की महिलाओं को ट्रेडिशनली थोपा गया, ना कि फैशन। ट्रेडिशनली मैं बता रही हूँ आपको, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। पिछले दिनों मुझे, मैं गुजरात में बहुत बार जा चुकी हूँ, आपने भी कहा था शुरुआत में ही, अभी भी पिछले दिनों को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, मैं वहां गई थी। तो वहां महिलाओं को, खास वर्ग की महिलाओं को ब्लाउज बैक साइड में होता ही नहीं कुछ, मतलब बिल्कुल वो डोरी बांध के रखते हैं और वो बाकायदा ट्रेडिशनल है, उसके पीछे थोपा गया, वो फैशन नहीं है। एक खास वर्ग की महिलाएं, जो खासकर नीचे के तबके की महिलाएं, आप ये प्रश्न को छोड़ दीजिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना, वो अपनी आपकी माने आपकी ये आपकी सोच थी, हम इससे प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। मैं बस इतना जानना चाह रही थी, हमारी जो सफाई कर्मचारी जो महिलाएं हैं वहाँ आपके आपके आसपास में, या तमाम जो परिवर्तन भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मतलब हमारी जो समाज की महिलाएं हैं वो कैसे वहां पर आपको लगता है कि कैसे आसपास की महिलाएं हैं, कितना परिवर्तन उन महिलाओं में आया, या आया भी है या नहीं? जी जी हाँ, देखो डॉक्टर जी, वो हमारे अम्बेडकर के बंधारण की वजह से हमें खुद प्रोटेक्शन मिला और कन्या केड़वनी पर हमने ध्यान दिया और हमारी बेटियां अच्छी पढ़ी और अच्छी पढ़े लिखने से संस्कार ऐसे ही उनमें आ जाते हैं, इसीलिए ड्रेस परिवर्तन भी हो गया है हमारी बेटी। हाँ जी जी, पढ़ाई में क्या सफाई कर्मचारी या स्वच्छकार समाज की महिलाएं लड़कियां पढ़ाई में कितनी आगे है गुजरात में, वहां की स्थिति आंकड़ा में जानना चाह रही हूँ। वो ठीक है, वो तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे जागरूकता आ जाएगी, और जागरूकता आएगी तो चेतना आएगी, चेतना आएगी तो तमाम हमारे आसपास का जो माहौल है या हमारी संस्थाओं की जो नीतियां हैं या सरकार की नीतियां हैं उनको एनालाइज करने का भी एक मादा इंसान के अंदर पढ़ लिखने के बाद आता है। तो मैं गुजरात की आपसे सफाई कर्मचारियों की जानना चाहती हूँ। जी जी जी, ऐसे तो मेरे पास ऐसा आंकड़ा की ये माहिती नहीं है, लेकिन लड़कों से ज्यादा लड़कियां बहुत पढ़ी है, जब उनकी शादी विवाह की बात आती है बहुत तो बढ़िया। मैं यही जानना चाह रही थी असल में कि लड़कियों की कैसी स्थिति। मेरा उद्देश्य यहाँ ही आपको दो लड़कियां दिखाऊ, यहाँ ही इधर ये बेटी को देखिए, दिखाई देती है? आप कितना पढ़ी हो? MSW की एक बेटी, मेरे भतीजे की लड़की मेरी बगल में बैठी है जो ये ऑपरेटिंग कर रही थी, यहाँ ही देखिए। दूसरे बेटा तू इधर आ जा, ये क्या लड़की है? मेरे छोटे लड़के की बेटी, BCom हो गई और TY LLB अभी वो कोरोना की वजह से एकदम TY LLB में है, यहाँ ही का दाखला देता हूँ। और दो इंजीनियर है हमारे ही फलिये में, और लड़कों में भी इंजीनियर हो गए है, इसीलिए यहाँ से ये गुजरात में इतना तो अच्छा है पढ़ते हैं, लेकिन हमें उनके लिए ठपका भी सुनना पड़ता है उनके माँ बाप का कि हमारी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, सामने लड़का पढ़ता नहीं है। देखो मैडम जी, लड़के के बारे में कोई ध्यान नहीं, SSC में फेल होके उसके बाद उसको कुछ माँ बाप आगे बढ़ाने का कुछ मेहनत ही नहीं करते हैं, और वो बोलता है उनकी माँगे रहती है कि हमको मोबाइल ला के दो, हमको बाइक ला के दो। तो माँ बाप, वो माँ उसका पति को दबान करती है और वो माँ उसको क्या बाइक ला के देती है, मोबाइल ला के देती है, इसलिए लड़के पढ़ते नहीं है। और लड़कियों फिर बेचारी हमको फरियाद करती है कि हमको हमारे मुताबिक, हमारे पढ़ने के मुताबिक लड़के नहीं मिल रहे, हम वकील क्या करें, दादा क्या करें, हम आपको ये फरियाद करते हैं, फरियाद करते हैं। लड़कियां हमारी पढ़ लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, किसी समाज का अगर आंकलन करना हो तो उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनकी शिक्षा की प्रगति कैसी है उससे आंका जा सकता है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है कि समाज में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मैं चर्चा को यहाँ पर विराम देना चाहूंगी, और तमाम जो इस पूरी चर्चा से जो स्वच्छकार समाज की आवाज में एक आवाज जो शामिल हुई है वो ये थी कि आप आपकी आवाज के माध्यम से हम ये जान पाए कि जो वाल्मीकि भंगी समाज की जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज्यादा पढ़ाई में आगे हैं। ये मेरे लिए एक लड़की, एक महिला होने के नाते भी बहुत सुखद है कि हमारी लड़कियां ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। जब लड़कियां बढ़ेगी तो दो परिवार सुधरते हैं, दो परिवार सुधरने का मतलब ये है कि आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लड़की आगे समाज में भी जाती है, अगर ना भी जाए तो समाज में भी एक भागीदारी एक तरह से उस तरीके से बनती है। तमाम चर्चाओं के साथ मैं अंतिम सवाल आपसे ये करना चाह रही हूँ कि आप स्वच्छकार समाज की आवाज के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को, हमारे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? दो मिनट में आप मुझे इसका जवाब दीजिए। जी, दो मिनट में क्या संदेश देना चाहते हैं? जी
जी, उसमें मैं गजल के द्वारा, मैं भजनिक हूँ, मैं लोकगीत गाता हूँ, लग्न गीत गाता हूँ, लेकिन गजल के मुताबिक मैं संदेश ये देना चाहता हूँ। नशान करना मान ले कहना प्यारे भाई बेना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहाँ है नशा से डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे मरेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। बिके का गहना, अरे बिके का गहना, फिर क्या कहना, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। मुझे कबीर का दोहा और सुना दीजिए अगर आपको याद हो। हाँ जी, हाँ कोई भी जी जी आपने जी कहा जी जी सुना दू, सुना दू, सुना दू, आपने मेरे दिल की बात की। कबीर साहब कहता है कि मानुष हो के नाम हुआ, मानुष हो के नाम हुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एक ही सपना से भया, गरीब भया न थोर। दूसरी साखी में कहता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़े तो बहुरी न लागे डाक। डॉक्टर जी, मैडम जी, चार खाने के जीव होते हैं, इंडज, उस्मज और मनुष्य, और पिंड में से तो मनुष्य एक विचारी पुरुष है, उसमें सारा सार का मालूम है, अन्य अन्य योनि में सारा सार का कोई उनको ख्याल नहीं रहता है, इसलिए मनुष्य योनि में आके इंसान अपना कल्याण कर सकता है। मेरे समाज को मैं आपके माध्यम द्वारा ये समाज देना, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नशा से दूर रहो, तंबाकू न खाओ, बीड़ी न पियो, और दारू तो दावा न रहे, दारू से दूर रहो। पूरे पूरे परिवार जल गए, कृष्ण जी को कौन, कृष्ण जैसे महान प्रभु थे, पूरे यादव सर, मैं एक चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। तमाम इस चर्चा में जो सुखद पहलू है वो ये कि जो सपचकार समाज है वो भी आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आगे चर्चा को फिर हम आप सबसे मुलाकात होगी एक बार। मैं स्वच्छकार समाज की तरफ से आप सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपका सर, आपने अपना कीमती समय में जो आप समाज कार्य में जो लगे हुए हैं आज लॉकडाउन के समय में, उसमें से आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तमाम जो दर्शक हैं मेरे, जो समय निकालकर आपके इस साक्षात्कार को सुनेंगे, हम सुन रहे होंगे, मैं उन सब का भी एडवांस में ही धन्यवाद करती हूँ। अगली मुलाकात तक के लिए आप अपने घर पे सुरक्षित रहे, सेफ रहे। स्वच्छकार समाज की आवाज, ऐसे ही आवाजों को साथ फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और के साथ, किसी ऐसे व्यक्तित्व के साथ। एक मिनट, मेरा भी धन्यवाद, आप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए। नहीं, और दोबारा मिलेंगे, कभी बड़ौदा में आओ तो अवश्य आएंगे, मेरे गांव आपको ले आऊंगा, संजय भाई के साथ, राजेश भाई के साथ, जरूर बड़ौदा की जब भी सैर करो तो आप आओ, अपने बच्चे को, अपने परिवार को सुख मिले, संतोष मिले, और पढ़े लिखे, आपको तो कुछ कहने का ही नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, यही अभ्यर्थ के पास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आभारी हूँ, धन्यवाद, जय भीम, जय जय भीम, जय।